लोकसभा चुनाव के आचार संहिता खत्म होते ही मध्य प्रदेश में तबादलों का दौर शुरू हो गया है। कमलनाथ सरकार ने बड़ी प्रशासनिक सर्जरी करते हुए 6 प्रमुख सचिवों के विभाग बदलने के साथ ही 15 आईएएस अफसरों के भी तबादले कर दिए हैं। हैरानी की बात यह है कि कर्ज माफी का प्लान बनाने वाले राजेश राजौरा का भी तबादला कर दिया गया है। देखिए रिपोर्ट। लोकसभा चुनाव खत्म होते ही कमलनाथ सरकार अपने पुराने रवैये पर लौट आई है। उसने फिर आईएएस अफसरों के थोक तबादले कर दिए हैं। प्रमुख सचिव स्तर के 6 अफसरों को इधर से उधर कर दिया गया है। 6 जिलों के कलेक्टर और 3 संभागों के कमिश्नर बदल दिए गए हैं। चुनाव के दौरान आयोग ने जिन कलेक्टरों को हटाया था, कमलनाथ सरकार ने उन्हें फिर वही पदस्थ कर दिया है। चुनाव निपटते ही श्रीनिवास शर्मा को छिंदवाड़ा और ललित दाहिमा को शहडोल भेज दिया गया है। कृषि विभाग के सचिव राजेश राजौरा का तबादला सबसे हैरानी भरा रहा, क्योंकि राजेश राजौरा ही वो शख्स हैं जिन्होंने प्रदेश में किसानों की कर्ज माफी का प्लान तैयार किया था। उन्होंने ही खाका तैयार किया कि किस तरह से किसानों की कर्ज माफी की जाएगी, लेकिन कर्ज माफी योजना का ठीक तरह से क्रियान्वयन नहीं होने की नाराजगी के चलते सीएम कमलनाथ ने उन्हें कृषि विभाग के सचिव पद से हटाकर उद्योग विभाग का जिम्मा सौंपा है। अजीत केसरी अब कृषि विभाग के प्रमुख सचिव बनाए गए हैं। पंकज अग्रवाल प्रमुख सचिव पर्यावरण होंगे। इनके अलावा मलय श्रीवास्तव को प्रमुख सचिव संसदीय कार्य का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है। बताया जा रहा है कि आगामी दिनों में फिर से प्रशासनिक सर्जरी होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, एमपी न्यूज़, भोपाल।